अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरे साथ मेरे दोस्त मेरे भाई बैठे हुए हैं, एक और जिनका कनाडा का वीजा अप्रूव्ड हुआ है। ये जी इनकी सबसे पहले मैं दिखा दूं अप्रूवल पेपर और डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस काफी वीडियोस में बताया, हमारे डेली बेसिस पे कनाडा, अमेरिका, जापान और बहुत सारे वीजा लग रहे हैं और सबके साथ वीडियोस बनाता जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। और कुछ के साथ वीडियोस बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि बिजी इतना ज़्यादा होता हूँ काम में कि हम नहीं कर पाते हैं। और मैं इन तमाम की अपडेट्स इंस्टाग्राम पे दे देता हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अच्छा, ये रही इनकी अब अपॉइंटमेंट। दोबारा से मैंने हमेशा बात की है, जब आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है सबसे पहले आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। ऑनलाइन जब फॉर्म फिल करते हो फिर डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हो। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं उसमें आपके पासपोर्ट कॉपी, वीजा कॉपी, एमिरेट्स आईडी कॉपी, एनओसी, थ्री मंथ स्टेटमेंट, ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। उसके साथ आप फाइल बनाते हो। अपलोडिंग करने के बाद आपने इसकी $185 कैनेडियन फीस होती है, वो आपने पे करनी होती है। वो पे करने के बाद एक दो दिन में आपको इमी पेपर शो हो जाता है जिससे आप अपॉइंटमेंट लेके बायोमेट्रिक्स दे सकते हो VFS ग्लोबल जाके। BFS ग्लोबल तकरीबन 10-15 दिन में आपको बायोमेट्रिक्स आ जाते हैं। समटाइम जल्दी भी आते हैं, समटाइम कुछ रश होने की वजह से लेट हो जाता है। वहां पे जाके आपने बायोमेट्रिक्स देने हैं, आपका पासपोर्ट रखते नहीं है, वो रिटर्न कर देते हैं आपका पासपोर्ट। उसके बाद दोस्तों आप पासपोर्ट लेके आ जाते हो और फिर अपनी ईमेल का वेट करते हो, अप्रूवल का वेट करते हो। तकरीबन महीना डेढ़ महीने में अप्रूवल आपकी आ जाती है। तो भाई मेरे साथ बैठे हुए जिनकी अप्रूवल आ गई, ये तमाम प्रोसेस खत्म होने के बाद इस तरह की पेपर आता है जिसमें इनका नाम लिखा होता है। इसके अलावा लिखा होगा सारा कि अपना पासपोर्ट सबमिट करवाओ, 2 पेज जो है वो आपके ब्लैंक होने चाहिए और इस तरीके से आप दोबारा से अपॉइंटमेंट लेके सबमिशन करवा सकते हो। दोबारा से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेके आप अपने पासपोर्ट की सबमिशन करवाते हो जिसमें एक ये अपॉइंटमेंट पेपर होता है प्लस ये आपका जो आपकी अप्रूवल आती है वो पेपर होता है और प्लस आपका पासपोर्ट। सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। जब आपने फर्स्ट टाइम भी जाना है तब भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, सिर्फ यही 2 पेपर होते हैं, तब भी एक अपॉइंटमेंट पेपर और एक इमी पेपर, और सेकेंड में आपका एक अपॉइंटमेंट पेपर और अप्रूवल पेपर। पासपोर्ट सबमिट करवाना है तकरीबन 2 हफ्ते में आपका वीजा लग के आ जाएगा। अगर प्रीमियम में करवाते हो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। पाकिस्तान से करवाते हो तो वहां पे किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है अब, और उसका जो रिजल्ट भी है वो भी जल्दी आ रहा था पाकिस्तान से। खैर UAE में रश बहुत ज्यादा, अबू धाबी में इसकी एम्बेसी है, पाकिस्तान में तो एम्बेसी अब शिफ्ट हुई। इससे पहले जितने भी वीजा लगते थे वो सारे अबू धाबी से इशू होते थे। अगर आज की बात की जाए अबू धाबी में एम्बेसी में तकरीबन सबमिशन करवा लो आप, तकरीबन 10-15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा। एक और खास बात यह है कि जी इनका जो पासपोर्ट होता है उतना ही वीजा मिलता है कनाडा का। और अक्सर लोग कहते हैं कनाडा का वीजा अगर हम पासपोर्ट नया बना ले, तो मैं उनको कहता हूँ जब आपका वीजा खत्म हो जाएगा नए पासपोर्ट में फिर नया वीजा लग जाएगा। वही पुराना वीजा जो है उसकी कॉपी लगा के नई फाइल में अटैच करके करें, आपको नया वीजा मिल जाएगा, लेकिन आप पुराने पासपोर्ट पर ही वीजा अप्लाई करें। अयाज भाई मेरे साथ बैठे हुए, मैं अयाज भाई को फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आज आपको कनाडा का वीजा अप्रूव्ड हुआ है। और जब इनका वीजा लग के आ जाएगा स्टिकर, अगेन हम भाई के साथ वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे कि जी आज इनका वीजा स्टिकर भी लग के आ गया। मुझे एक चीज कंफर्म करनी, आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कब तक की है, कब आपका पासपोर्ट खत्म हो रहा है, किस सन में हो रहा है? 10 years की है तो भाई की 10 years की है, तो इसका मतलब है 10 साल का इनका कनाडा का वीजा लग के आएगा। और मल्टीपल V1 कैटेगरी का वीजा होता है और उस पर आप कभी भी कनाडा आ जा सकते हो और पर एंट्री आप 6 months वहां पे लीगली तौर पर स्टे कर सकते हो। और वहां पे आपको पता है कनाडा वीजा के ऊपर जाके अपने वीजा को कन्वर्ट भी करवा सकते हो। इस वीजा को आप टूरिस्ट वीजा को कन्वर्ट करवा के वर्क परमिट में भी तब्दील करवा सकते हो, स्टडी परमिट में भी करवा सकते हो, बिजनेस में भी लेके जा सकते हो। पहले नहीं था, तकरीबन 3 साल हुए हैं कि कनाडा ने अपने रूल्स चेंज किए। 3 to 4 years हुए हैं कनाडा ने रूल चेंज करने के बाद, जो टूरिस्ट वीजा पे भी चला गया वो अपने वीजा को कन्वर्ट करवा सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और दूसरा बेनिफिट आजकल की सिचुएशन में ये है कि पाकिस्तानी को बहुत ज्यादा वीजा मिल रहे हैं। कनाडा ने जैसा कि आपको पता है दिसंबर तक वैसे ही ऐलान किया हुआ था
कि जी दिसंबर तक आप एप्लीकेशन दें तो बहुत सारे लोगों के लगेंगे, और हमारे रिसेंटली फ्रेश पासपोर्ट पे कनाडा के वीजे लगे हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि हर बंदे का कनाडा का वीजा लगेगा, नहीं ऐसा नहीं है। एम्बेसी क्या करती है, एम्बेसी को अगर लगता है ये बंदा वापस जाएगा टूर मुकम्मल करने के बाद, डेफिनेटली उसको वीजा मिलता है। अगर एम्बेसी को कहीं पे शक आता कि इस बंदे ने टूर मुकम्मल करने के बाद वापस नहीं जाना, उसका वीजा रिफ्यूज किया रहता है। लेकिन रिफ्यूजल का मतलब ये नहीं होता कि आपको वीजा मिलना नहीं है। आप अपने सर्कमस्टेंस थोड़े चेंज करें, अगेन वीजा अप्लाई करें। सर्कमस्टेंस कैसे चेंज होंगे, वो आप थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। अब यहाँ पे बात आती है कि जी अगर हम पहले ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते, देखें दो चीजें होती हैं, अगर करंट सिनेरियो के अंदर एम्बेसी वीजा दे रही है और आप उस वक्त ट्रैवल हिस्ट्री की तरफ चले गए, जो हमारे पास गोल्डन पीरियड है वो आप जाया कर देते हो जिसमें वीजे मिल रहे होते हैं, उसमें आप डायरेक्टली वीजा अप्लाई करें। मेरे पास आए थे, मैंने उनको बहुत सजेशन दी कि भाई आप यहाँ पे करो, यहाँ पे वीजा अप्लाई करो। इन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। जैसे मैंने भाई को बोला, भाई ने वैसे ही किया, ये नहीं बोला कि भाई अभी मैं ट्रैवल हिस्ट्री बना लेता हूँ या मेरी है नहीं ट्रैवल हिस्ट्री या फिर कोई, हमने इनके और भी वीजा प्रोसीड किए। तो उस वक्त भी हमने जो इनको सजेशन दी थी उसी मुताबिक चलते रहे हैं। तो इसी तरीके से आप डायरेक्टली वीजा अप्लाई करें, इन केस अगर नहीं लगता फिर अदर एंड हमारे पास आती है कि यार चलो ट्रैवल हिस्ट्री हम बना लेते हैं, सर्कमस्टेंस चेंज करके अगेन वीजा अप्लाई करें। रिसेंटली मैंने ऐसे लोगों को भी वीजा प्रोसीड की और लगे, जिनकी 3 times रिफ्यूजल लगी हुई थी कनाडा से, उनकी वीडियोस भी मैंने बनाकर डाली हुई है, अगर नहीं आपने वीडियो देखी वो देख लेना। तो भाई जैसे ही वीजा इनका लग के आता है अगेन मैं वीडियो बनाऊंगा, अगेन अपडेट मिलेगी। तो अगेन कॉन्ग्रेट्स, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा गाइस, नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।